हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रिक्शन लाइफ। अभी मैं आया हूँ गुवाहाटी रोपवे, जो लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है इंडिया का। तो अभी 1:30 बज रहा है, अभी 1:14 हो रहा है, 1:30 खुलेगा टिकट काउंटर, तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और देखते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। ये रोपवे का टिकट हमें मिल चुका है, 60 रुपीज़ का टिकट है वैसे तो अगर, लेकिन यहाँ पर फंडा है। अगर आप 12:30 से पहले आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ के टिकट में बोथ साइड आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आफ्टर 12:30 आपको 60 रुपीज़ का टिकट खरीद के जाना पड़ेगा, फिर उधर से टिकट खरीद के फिर से आना पड़ेगा। सामने वो उमानंद रिवर आइलैंड है, पहले लोग इसमें भी जाते थे बोट लेके, अभी भी जाते हैं शायद से। विंटर में पानी बहुत कम हो जाता है, तो ये जो आइलैंड है वो क्लियरली दिखता है, लेकिन समर में पूरा डूब जाता है तो उतना क्लियरली नहीं दिखता है। तो अभी ऊपर से दिखाएंगे आपको ये रिवर आइलैंड, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ एक भगवान शिव का टेंपल भी है, पहले एक बार मैं गया था यहाँ पे। तो अभी शायद रोपवे का वहाँ पे उतरने की जगह नहीं है, लेकिन रोपवे डायरेक्टली उस साइड जाता है, फिर भी आपको ऊपर से दिखाएँगे इसका व्यू। तो चेकिंग डन, यहाँ पे ये रहा वेटिंग रूम, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ी देर। तो अभी हम लोग जाएंगे लिफ्ट में ऊपर। लोग उतर रहे हैं अभी, तो जिसके मतलब पता चला कि 32 तक ले सकते हैं, फिर भी 27-28 लोग जा आते हैं इसमें। अब ये हमारी बारी है। ये देखिए कैसे हम आए हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े कॉयल लपटे हुए हैं, यहाँ से खींचा गया है इसको। सो इट वॉज सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग टू रोपवे गुवाहाटी। अभी ये लॉन्गेस्ट रोपवे है अभी इंडिया का, रिवर रोपवे। सो मस्ट विजिट कीजिएगा अगर गुवाहाटी आ रहे किसी कारण से।
थोड़ा टाइम निकाल के, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्द पहुंचा दिया, मतलब हार्डली 15 से 20 मिनट लगा। ये जो साइट है, दिस साइड, ये नॉर्थ साइड है ना, ये नॉर्थ गुवाहाटी है, तो इस साइड में काफ़ी सारे मंदिर है घूमने के लिए। सुबह आते हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के आराम से घूम सकते हैं। गाड़ी अवेलेबल है यहाँ पे, इजीली भाई लोग हैं, घुमा देंगे। भी है, काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पे जैसे गुवाहाटी, मतलब मोस्टली आपको टेंपल ही टेंपल मिलेंगे, बहुत सारे टेंपल है यहाँ पे, तो आराम से घूमिए, कोई इशू नहीं है। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, खाने पीने का भी यहाँ पे इतना, अभी आगे चल के और भी होगा क्योंकि ये रिसेंटली खुला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो अभी 2-4 ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब 1-2 दुकान है यहाँ पे, और आगे चल के और भी दुकान हो जाएंगे शायद से, अगर टूरिस्ट और बढ़ गए आगे। देखिए एक फूड विला बोल के यहाँ पे है, और नारियल पानी वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो ज़रूर आइए, ये जगह विज़िट कीजिए, अच्छा लगेगा आप लोग को। यहीं पे हमारा रोपवे वाला राइड यहीं पे ख़त्म हुआ। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू कम टू गुवाहाटी डोंट मिस दिस वंडरफुल राइड। सो ये गर्व की बात है कि ऐसे इतनी बड़ी रिवर के ऊपर रोपवे बना के गवर्नमेंट ने टूरिज्म सेक्टर में असम में बहुत अच्छा, मतलब मुकाम हासिल किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे आने वाले वीडियोज़ मिस मत कीजिएगा, और पुराने वीडियोज़ को भी जाके व्यू कीजिए। Till then, bye bye, take care.